हेलो फ्रेंड्स, सभी राजस्थानी और मारवाड़ी बहनों को शीतला माँ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। और फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने शीतला माँ पूजा के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मेन प्रसाद होता है और बहुत सारा प्रसाद बहुत शुद्धता के साथ बनाया जाता है फ्रेंड्स। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस पूजा के लिए सारा प्रसाद बना लिया फ्रेंड्स। और बहुत मेहनत लगी लेकिन मुझे खुशी है कि सब अच्छे से बन गया। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आज क्या क्या बनाया। मुझे 3 से 4 घंटा 4-5 घंटे मुझे लग गए फ्रेंड्स। देखिए, मैं हम लोग क्या करते हैं शीतला माँ पूजा में, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूड़ियाँ छानी है, गोल गोल पूड़ी। और ये देखिए, इसमें भी पूड़ियाँ हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाजरे की रोटी है, ये दोनों बाजरे की रोटी है जो हम लोग एक शीतला माँ को चढ़ा देंगे और एक हम लोग घर में प्रसाद के लिए रखेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, मीठी पकौड़ी है जो आटे में चीनी मिला के और थोड़ा सा घी मिला के इसे पकौड़ी की तरह हम लोग घी में तल लेते हैं कढ़ाई में। ये मीठी पकौड़ी है, इसे हम लोग मारवाड़ी में गुलगुला बोलते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत विशेष प्रसाद है शीतला माँ का। और ये फ्रेंड्स देखिए, मीठा भात चावल, ये गुड़ यानी मीठा में मिला के इसे हम लोग बनाते हैं। ये गुड़ का भात मतलब मीठा भात है और ये फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगता है। और ये शीतला माँ का विशेष प्रसाद है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये है राबड़ी, ये हम लोग राजस्थानी मारवाड़ी में विशेष कर चढ़ता है। ये बनता है दही में बाजरे का आटा मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा नमक, और उसको हम लोग खोला लेते हैं गैस पर। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, सिंपली इसको बस दही में थोड़ा सा बाजरा का आटा मिक्स करके और हल्का सा नमक, बस इसको टोपिया में मैंने चढ़ाया और इसे खोलाते रहे जब तक कि बॉयल नहीं हो जाए फ्रेंड्स। तो ये रहा प्रसाद। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है बाजरे का आटा, ये बाजरे का आटा है, इसमें मैं घी और थोड़ी सी चीनी मिक्स करूंगी और ये भी सुबह मतलब प्रसाद चढ़ाते समय मिक्स करूंगी। और ये विशेष कर शीतला माँ का विशेष प्रसाद है। यही सब प्रसाद जो है मंदिर में जाएंगे तो हम इसे चढ़ाएंगे फ्रेंड्स। अब मैं इसे कवर कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मैंने इसे आज कवर किया था। और अब फ्रेंड्स मैं करूंगी पूजा, मीन्स प्रसाद बनने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं पीतल जी का, पीतल जी की पूजा करते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग मारवाड़ी भाषा में जो है गीत गाते हैं, शीतला माँ का भजन टाइप का है जो हम लोग गाते हैं। और ये एकदम प्योर मारवाड़ी है जो समझ में भी कम आती है लेकिन हाँ कुछ समझ में आ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं भजन करूंगी और इसके बाद हम लोग दूसरे दिन सुबह में तैयार होके शीतला माँ के मंदिर जाते हैं और वहाँ हम लोग ये सब प्रसाद चढ़ाते हैं और एक कहानी भी कहते हैं शीतला माँ की। और अब तो ऐसा है कि शीतला माँ की पूजा सबको ही करने लगे, मतलब राजस्थानी मारवाड़ी के अलावा और भी अदर कास्ट भी करने लगे हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत मानी हुई देवी है। अब मैं मारवाड़ी में भजन गा रही हूँ, फिर हम लोग मंदिर जब जाएंगे दूसरे दिन तो वहाँ का भी ब्लॉग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। और सुबह भी हमारी पूजा होगी घर में भी, तो किस तरह से करते हैं वो सब हम आपको, क्या चीज से करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तो एक भजन आपको मैं गाऊंगी तब तक के लिए फ्रेंड्स। ये है पंखा, ये तीन वाला।
क्या वहां बन रहा है? आठ मिनट आठ मिनट